ये वीडियो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आईक्यू पार्ट टू, आईक्यू बोले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, इसमें ये एग्जाम 2020 की में पूछे जाने वाले प्रश्न पर आधारित है। इसमें 25 क्वेश्चन और आंसर है, और लास्ट में दो क्वेश्चन है जिनके आंसर नहीं है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने पहले हम पिछले वीडियो के दो क्वेश्चन का आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था पिछले वीडियो का, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इनमें है एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम का, नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है एग्जांपल विंडोज 7, विंडोज 8, ये लिनक्स, यूनिक्स। प्रोसेसिंग डिवाइस भी नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक, इसका आंसर सी होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर दो है कंट्रोल प्लस सी इज यूज्ड, कंट्रोल प्लस सी का दबाकर हम क्या यूज करते हैं, तो कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट, हाँ कॉपी करते हैं, कट नहीं करते हैं, कट के लिए कंट्रोल एक्स है, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी है, पेस्ट प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी है। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, पहला क्वेश्चन स्टार्टेड कंप्यूटर ऑल्सो कॉल, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसको हम बूटिंग कहते हैं, जैसे कि आप इसमें देख कर रहे हैं, ये ऐसा जब स्टार्ट होता है तो उस समय होता है। ये डैश सेकेंड नंबर है, डैश इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर का हार्ट होता है प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू, सीपीयू का प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसे प्रोसेसर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, डैश इज मोर स्टेबल देन विंडो, विंडो से स्टेबल कौन सा होता है जिसे हम 10 सालों तक बिना रीस्टार्ट किए या ऑफ किए चला सकते हैं, वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे हमें लिनक्स को शट डाउन या रीस्टार्ट या कैसा करने की आवश्यकता पड़ती नहीं, ये बहुत ही स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर फोर है, डैश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड बाय एप्पल, एप्पल के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया, तो वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक और मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स है, आईओएस है एंड्रॉयड में, ये विंडो थे जैसे कंप्यूटर के लिए मैक है। कंट्रोल, क्वेश्चन नंबर फाइव है, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम डो नॉट अलाउ मल्टीटास्किंग, ट्रू फॉल्स है, कह रहा है कि मॉडर्न कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग अलाउ नहीं करता, तो ये फॉल्स है, मॉडर्न कंप्यूटर जो भी कंप्यूटर है वो सारे मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मल्टीटास्क मतलब एक बार में कई तरह का। क्वेश्चन सिक्स, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज है, सेकेंडरी डिवाइसेज कौन कौन से जो बाहर से लगा, इसके एक्सटर्नल बोलते हैं, पिछले वीडियो में भी इसका एक क्वेश्चन इसी तरह का आया था लेकिन वो दूसरा था। आंसर है इसका यूएसबी हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सब बाहर से लगाए जाते हैं, इसको एक्सटर्नल बोलते हैं। सेवन है, विच सिस्टम यूज ऑनली ऑन डिस्क 0 एंड 1, वो बीट होता है जिसको फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। एट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ऑनली मेमोरी आर एग्जांपल ऑफ, ये प्राइमरी मेमोरी का है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी होता है, प्राइमरी में दो आते हैं रैम और रोम। क्वेश्चन नाइन है, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ ऑन प्रोसेस फैक्ट फिगर एंड सिंबल, ये डेटा कहलाता है, डेटा का डिफिनीशन होता है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ ऑन प्रोसेस फैक्ट फिगर एंड सिंबल्स, बट और इन्फॉर्मेशन का होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, वन निबल इक्वल टू डैश बीट, एक निबल में चार बीट होते हैं और आठ, एक निबल में चार बीट। क्वेश्चन 11 है, डैश जनरेशन कंप्यूटर यूज बल्कि वैक्यूम ट्यूब, पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, बहुत ही बड़ा बड़ा हुआ करता था, हजारों लगते थे कंप्यूटर में, एक में हजारों वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन 12, रैम अलाउ द कंप्यूटर टू रीड डेटा क्विकली टू रन डैश, रैम क्या अलाउ करता है, रन करता है एप्लीकेशन रन करने के लिए रैम का यूज करते हैं ताकि जल्दी एप्लीकेशन रन हो। 13 है, द डैश परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन ऑफ टास्क ऑल डिसीजन, कौन है जो ऑल सभी डिसीजन लेता है और सीपीयू में और सब कैलकुलेशन करता है, वो सीपीयू, और कैलकुलेशन और लॉजिक लगाता है, सीपीयू का एक भाग होता है एएलयू बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 14 है, डैश हेल्प अ सेलेक्ट थिंग ऑन अ स्क्रीन टू ओपन क्लोज मूव डिलीट एटीसी, हम ये सब सारे कैसे हम कर सकते हैं, तो वो है माउस या कीबोर्ड के द्वारा, दोनों में से कोई एक या दोनों यूज कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं माउस से डबल क्लिक करके, क्लोज भी कर सकते हैं कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट एंड एंड डैश, ये तीन पार्ट में होता है सीपीयू, एएलयू, सीयू और एमयू बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट और एमयू, यही एएलयू का काम होता है सारा, अर्थमेटिक करना, जोड़ घटाओ या ऐसा या लॉजिक लाना, सारे प्रोसेस को कंट्रोल करना कंट्रोल यूनिट का काम है, मेरी सारे स्टोर करना डेटा को, वो मेमोरी यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन 16 है, देयर आर टू कैटेगराइज ऑफ मेमोरी, डैश एंड डैश, तो मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, बता चुके हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी के बोलते हैं रैम और रोम को। 17, डैश द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक क्या है,
तो वो बहुत ही स्पीड है, एक्यूरेसी है, इसके पास आईक्यू नहीं है, सोच नहीं सकता है ना, डिलीजेंस है, इसके डेटा स्टोरेज की हाई कैपेसिटी है, 18 है। ए डैश इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो जान सब जानते हैं सुपर कंप्यूटर बहुत ही फास्टेस्ट कंप्यूटर था, अभी अभी है सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। 19 है विच कंप्यूटर इज यूज इन बैंकिंग एयरलाइंस एंड रेलवे, तो वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर रेलवे में, बैंक में, ये सब में यूज किया जाता है। 20 आई वर्क इन एन आईटी कंपनी, आई एम डैश, मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ। आई ज्वाइन मेटल पार्ट टूगेदर, आई एम एक डैश, मैं लोहे को जोड़ता हूँ, मेटल पार्ट को जोड़ता हूँ, तो मैं एक वेल्डर हूँ ना। क्वेश्चन 22, आई रिपेयर व्हीकल्स एंड चेंज स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीन, आई एम डैश, ये सब का ये काम करते हैं मैकेनिक, तो वो हुआ मैकेनिक। क्वेश्चन नंबर 23, आई वर्क विथ वुड डिजाइनिंग डोर्स एंड विंडो, आई एम डैश, तो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी डिजाइन करता है या दरवाजे बनाता है, वो कारपेंटर बनाता है। फुल फॉर्म ऑफ सीवी, 24 है, तो वो करिकुलम वीटे वीटा है बोलते हैं, करिकुलम वीटा है। फुल फॉर्म ऑफ WWW, तो वर्ल्ड वाइड वेब है। ये हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आगे हम लोग 2 क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो पहला, निम्न में कार्डिनल नंबर कौन सा है, जो कि पिछले वीडियो में हम कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर अच्छे से डिस्कस किया गया, आप देख सकते हैं उसको। दूसरा, रुको शब्द का प्रार्थना वाक्य क्या होगा, तो रुको है तो प्रार्थना करके हम कैसे बोलेंगे, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ये अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नए हैं तो ऐसे वीडियो बहुत से मिलेंगे। धन्यवाद।